Hi guys, assalamualaikum, welcome back to a new video. So guys, सुबह काफ़ी टाइम पहले हो गई थी. अभी मैं आया था, शिरीन की कुछ मेडिसिंस थी जो कि ख़त्म हो गई थी, तो वो मेडिसिंस वगैरह लेने आया गया था मैं. तो वो मेडिसिंस वगैरह तो लेकर आ गया. अभी देखते जा रहा हूँ ऊपर, फिर उसके बाद देखते नाश्ते का क्या प्लान होता है. उसके हिसाब से फिर नाश्ता लेने के लिए मैं उतरता हूँ नीचे, क्योंकि शायद शिरीन वॉशरूम में, मैंने उसको कॉल किया तो उसका फ़ोन शायद चार्जिंग पर रखी है उसको, तो उसने फ़ोन उठा ही नहीं. तो अभी जाकर ऊपर देखता हूँ क्या सीन है, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ. सो गाइज, ऊपर आके मैं नहा धो के फ्रेश हो गया. देखा तो शिरीन झाड़ू वगैरह मार रही थी घर में, तो तब तक के मैं नहा वहा के चेंज कर लिया. और अभी शिरीन लादी पोछ रही है, घर साफ़ कर रही है. तो अभी देखते हैं नाश्ते का क्या प्लान है, शिरीन जो बोलेगी फिर देखते हैं उसके हिसाब से नाश्ता कुछ अरेंजमेंट करेंगे. और शिरीन को कुछ दिखाना भी है ना, कपड़े वगैरह दिखाने हैं ना देखो थोड़े बहुत. हाँ, तो वो इंशाल्लाह थोड़े टाइम बाद आपको दिखाएगी. सो और आज का मौसम बहुत अच्छा है. शिरीन बोल रही थी सुबह 6 बजे में उठी. कितने बजे उठी थी जान? हाँ, 6 बजे उठी हुई थी शिरीन, और बोल रही थी कि मस्त बारिश हो रही थी. मौसम तो बहुत बेहतरीन हो चुका है गाइस, और जितना गर्म हो रहा था उतना गर्म अभी है नहीं फिलहाल. ठीक है, देखो लग रहा है गरम, गरम लग रहा है फिर भी नहीं, तो गरम अभी काफ़ी. एक सेकेंड ना, कुछ तो बोल रही है. क्या बोली जान? अच्छा, तो शिरीन ये बोल रही है कि जो सुबह के टाइम का जो मौसम था वो बहुत ही ठंडा और बहुत ही बेहतरीन था. अभी उतना अच्छा नहीं है, बट क्या हो गया था, पूरा पिंक हो गया था बोलती है इसका है. क्या बात है, मतलब मैं सो रहा था, मैंने मिस कर दिया वो चीज़ें. और इसने शूट नहीं की क्योंकि इतनी नींद में थी, इसको खुद नहीं पता कि आके कब खड़ी हुई है ना. तू बहुत नींद में थी ना वो टाइम पे, बोलो. होश ही नहीं था और आके खड़ी थी, मस्त एंजॉय भी कर रही थी. क्या हुआ बुड्ढी? चलो ठीक है, और देखते हैं क्या सीन बनता है आज का. सुबह फिर आके क्या करी सुबह? हाँ, तो ये अंदर आई थी फोन लेने के लिए ताकि शूट कर सके, कुछ ना कुछ आपको दिखा सके. बट सीन ऐसा था कि ये अंदर आई, बेड पे बैठी और सोची और सो गई. नींद में से अभी आदमी उठेगा तो फिर वैसे ही होगा ना गाइस, जो भी इतने टाइम सुबह तो ये सोच ले. मिलता है आपसे थोड़े टाइम में, बने रहिए वीडियो में. तो गाइस, नहा वहा के एकदम फ्रेश हो गए. आज करी हूँ मैंने बेडरूम की डस्टिंग, क्योंकि बहुत दिन से डस्टिंग वस्टिंग नहीं हुई थी, तो मैंने बेडरूम की डस्टिंग कर ली. ऐसे तो हॉल की होती रहती है तो बेडरूम की नहीं होती है, इस वजह से मैंने बेडरूम की अभी डस्टिंग कर ली. और ये देख सकते हो, ये एक्चुअल में ना मुझे आया था पीआर के लिए, तो ये बहुत दिनों से ना ऊपर ही रखा हुआ था, क्योंकि मैंने ऊपर का भी अभी सामान है ना थोड़ा सेट किया ना, तो ये ऊपर ही रखा हुआ था. और ना ये ना एक्चुअल में ना ख़राब हो रहा था, पता नहीं क्यों. इसकी जो LED आप देख सकते हो यहाँ से ना पूरी मेल्ट जैसे होता है ना, स्टिक की जैसी वैसे होने लग गई. तो मैंने क्या किया कि एक सेकेंड ना गाइस, इसको अटकाऊँ मैं फिर. हाँ, तो मैंने क्या किया, एक वो ऊपर जो लगाते हैं ना अपन स्टिक ऑन वाला हुक, वो लगा के उसको अटका के मैंने यहाँ लगा दिया. मैंने बोला कि अच्छा भी लगेगा, कि मैं पीछे दिल वाला ना, मेरे दिल के साथ है दिल के. वीडियो बनाने के लिए कहा पाएगा, बट मैं वीडियो अभी फिलहाल तो नहीं बना रही, बहुत रेयरली बना रही. और यहाँ की भी पूरी डस्टिंग फिर से कर ली, ये पूरा क्लीन करके पूरे परफ्यूम्स फिर से पोछ के रख के यहाँ पर ये सब सेट वेट करके रख दिया है. तो अभी बस नहा ली हूँ मैं, कैफ तो अम्मी के यहाँ चले गए. मैं भी अभी फटाफट कपड़े पहनती हूँ, फिर मैं भी अम्मी के यहाँ पहुँचती हूँ, फिर आप लोग से मिलते हैं. तो गाइस, मैं रेडीमेड हो गई और अभी मैंने सामान लिया, मेरी पानी की बॉटल ये वो. और ये जो पाव है ना बच गया था, तो मैंने बोला कि ना मच्छी लोग को डाल देते हैं कि नहीं, कम से कम खा तो लेंगे. तो हमारे यहाँ पर बावड़ी है, हम वहाँ पर जाके दिखाती हूँ अभी आप लोग को, और डाल के मिलती हूँ. कैफ आ रहे मेरे को लेने के लिए, फास्ट चल रही. नखरे देखो, लोग लड़ाई देखो कितनी है.
चिल्ला रहा है क्या है? चिल्ला रहा है मेरे को भी। चिल्लम पुकारा करके बता रहा है। अरे अल्लाह लगा दी मुंह। देखो नहीं इन लोग को। गाइज ये देखो पूरी बावड़ी की हालत क्या हो गई। अल्लाह हमारे टाइम पे इतनी साफ और इतनी नीट एंड टाइडी हुआ करती थी। मच्छी बहुत, अरे बाप रे बाप, अनगिनत मच्छी। कछुए है ना इतने बड़े बड़े है ना जान इसके अंदर। दारू की बोतल देखो ना कितना गलत है यार। भूखे रहेंगे बेचारे मच्छी लोग, कुछ भी खाने नहीं मिलता रहेगा इन लोग को। अरे इतना बड़ा बड़ा तुम डाल रहे हो। नहीं चाहे वो पानी से वो हो जाएगा ना। नहीं नहीं थोड़ा उधर आगे डालो ना आगे। आवाज हूँ सारी फट। कलर अलर कुछ तो फेंके ले अंदर। नहीं लगता ये लोग ने कुछ मूर्ति वूर्ति डाले रहेंगे। और ना यहाँ पर ना गाइस पहले ना वो आंटी थी एक गार्डन वाली आंटी, उनको हम लोग यही बोलते थे गार्डन वाली आंटी। वो ना के प्लांट्स पे यहाँ पर सेल करते थे। क्या बोले जान? सीड। हाँ तो यहाँ से लोग बावड़ी में जाते हैं ना उड़ी मारते ये करते। तुमको मालूम जान यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स रहते थे बहुत। 28। अरे बहुत डीप है ये। 28 से 30 फुट की है सर। ज़्यादा है। सुने क्या यहाँ पर ना पूरे ने बहुत अच्छे से संभाल दी थी आंटी, फिर पता नहीं क्यों चली गई। और ये नींबू का झाड़, इसमें नींबू बहुत लगते थे पहले, पता नहीं अभी है। हाँ बाबा ये देखो नींबू। मैं तुम्हें बोलती थी ना जान नींबू का झाड़। तुम नीचे कुछ ले क्या केक चेक करो। बराबर मालूम कहाँ से चल रहा है केक। आ, क्या नींबू खुशबू तुम इधर। आपका नाम क्या? सरब जी। तो गाइस मैं खाना खाने बैठी हूँ, और खाना खाने बैठी तो देखो ये लड़का कैसा आके यहाँ पर भी आके मेरे को घुस गया मेरे इसमें और सो रहा है। और मैं बताती हूँ मैंने खाना क्या बनाया। यहाँ देख सकते हो खट्टी दाल चावल और चिकन का कीमा मैंने बनाया मटर दाल के, बहुत ही यम लग रहा है। फटाफट खाती हूँ फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो गाइस इसको ना बहुत जिद करके मैं लेके आई हूँ और मैं कुछ काम करने वाली हूँ उसके साथ। तो अभी आप लोग इसको पहले देख सकते हो कैसा दिख रहा है, बाद में आप लोग देख लें। बहुत जिद करके लेके आई हूँ मैं। रोना रहे इतने टाइम से दाढ़ी बढ़ा रहा था ये लड़का। इसकी ग्रोथ फास्ट आ जाएगी। डरते क्या हो, उड़ा लो भाई सर। तुम्हारा तक डुंगन बैठती नहीं क्या तुम्हें? टावल की ये इधर का मेन उड़ाएगा ना नीचे का। क्यों? नहीं नहीं पूरा पूरा मैंने बोली हूँ पूरा उड़ेगी गाड़ी। हाँ हाँ पूरा मुच्छी को नहीं, मुच्छी मुच्छी छोड़ के ये अब कैब का मुच्छो मुझे फाइनली अब सुनानी गाड़ी में नहीं घुसेगा। सुनानी का रिएक्शन देखा मैं भी ब्लॉग में दिखेंगे।
ये है वो आरती है जिसने मेरे दाढ़ी के बाल निकल पे मेरे आदमी के दाढ़ी पे बाल निकल गंदा था अभी जी देखो गाइस काटे ये काटे काम आएंगे अभी अभी इसको पूरा दिखाती हूँ मैं थोड़ी देर बाद गाइस ये कौन है मैं नहीं जानती मेरे को कसम से इतनी प्यारी मैं इसको देख देख के तो किसी और को मैं निकल गया कुछ काम से कोरला में हूँ कितना बुरा दिख रहा है ये क्या हो गया मेरे साथ इसने 4 साल से मुझे एड़ा बना रखा कि इसका मुंह इतना लंबा है पर इसका मुंह तो चूजे के जितना छोटा है वो भी 5 रुपए वाला चूजा जो चाचा भाई बेचते है ना कलर कलर कैसा दिख रहा है यार ये बेचारे को मैंने क्या कर दी तो गाइस अभी देखो समझाने के लिए मैंने ना ये वाला चॉकलेट है उसकी फरमाइश से कुछ लेके आना और ये मैंने क्ले भी लिए बोलते हैं कि टॉय बना के इसको ना सूख जाएगा फिर हमें कड़क हो जाता है तो मैं ट्राई करूँगी घर में बैठ के और ये आदमी कौन आया मेरे साथ मुझे नहीं मालूम गाइस मेरे साथ पता नहीं कौन शख्स घूम रहा है वो क्या बिजली कड़क रही है यार ये कौन है यार कौन है यार ये कौन है उधर कौन आ रहा है उधर तो देख कौन आ रहा है मुंह देख मुंह देख मालूम देगी ये क्या हो गया ये क्या हो गया छोटा दिख क्या हो गया ये समझानी नहीं ना आइस क्या आइस गाइस बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है काफ़ी टाइम से हो रही है और अब जाके हम लोग निकले घर से कैमरे में सीसीटीवी में मैं देख के बोला भी शिरिन को कि शिरिन जोर से हो रही है बारिश शिरिन बोली नहीं इतनी जोर से नहीं थी समझ में आ रही है यहाँ अब्बा भी बैठे हुए देखो भाई बात ऐसी है कि बॉस तो आराम से सो रही है आराम से हम लोग बॉस के घर के नीचे खड़े भीग के शिरिन और हम लोग सो रहे घर पर जाने के लिए तरफ क्या करें भाई कम से कम रेनकोट तो भेज दो या छतरी तो भेज दो ओके ये देखो गाइस इसका मिनियन और ये पिनियन नहीं क्या बोबाटी और चोबा हाँ
क्या हो गया, पागल पागल हो गई है गाइस। मैंने ना आज से ना एक चीज सोची है, कि मैं करूंगी थोड़ी बहुत सेविंग। तो ये मैंने अच्छा सोचा है, गलत सोचा आप लोग जरूर बताना, क्योंकि मैं सेविंग इसलिए सोच रही हूँ कि इन फ्यूचर कभी भी कुछ भी चीज़ों के लिए काम आ सकती है। क्योंकि मैं हमेशा क्या करती रहती हूँ मालूम है, पैसे उड़ा देती हूँ। मैं खर्चे बहुत करती रहती हूँ, ये ले लिया कभी वो ले लिया। तो मैंने आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गले में मैंने शुरुआत कर दी है। और गाइस इसने गल्ला नहीं बाटला लेके आई है। यस, और बता इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत ही इतनी अच्छे से हुई है तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। और अभी एप्पल लिया है, अंडा लिया है नीचे से, तो अंडा लेके आई हूँ। बारिश का अभी मौसम फिलहाल तो भूख वैसे नहीं है हम लोगों को, बारिश का मौसम है, अगर भूख लगी तो मैं भुर्जी भी बना सकती हूँ। मैं चाहूँ तो मैं अंडा फ्राई करके पाव के साथ गर्मा गर्म पाव बनेंगे अभी 12 के बाद। एक डेढ़ बजे गाइस बेकरी में पाव भी फ्रेश। और अभी बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, और बारिश का मौसम है तो गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि कितनी भूख लगती है, हर थोड़े थोड़े सेकंड से भूख लगती है। तो जैसे कि मैंने सुबह नहीं बताया, मेरे को सुबह भी कपड़ा बताना था, वो कपड़ा तो मैंने अभी अंदर रख दिया, मैं जब पहनूंगी तो तब बता दूंगी। अभी फिलहाल ये वाला बता देती हूँ, ये अम्मी के लिए लाए थे मौसीना दीदी ने दुबई से। एक सेकेंड, एक पैर पे कटे, एक पैर पे कटी काटे कटनी है ना यार, एक पे ही काटे ना, और एक पे नहीं है। आई है आई बैगन, ये तो आई बैगन वाला हिसाब हो गया। तो चलेगा, मैं इसको कवर अप कर दूंगी, इसको कवर कर दूंगी, वैसे कट कट नहीं चाहिए। तो ये पैंट है, ये लेके आए मौसीना दीदी ने दुबई से अम्मी के लिए, तो अम्मी को शायद ये साइज में नहीं आया, स्टार्टिंग में देख लिया था नहीं आएगा, तो अम्मी ने बोला मैं ट्राई फिर भी कर लूंगी, अगर आ गया तो गनीमत लगा बच गया, चलेगा वो पानी में मिल पे हो गया सर, तो आ गया तो गनीमत, टन नहीं अम्मी मेरे को दे देंगे बोले, ठीक है चलेगा। तो अम्मी ने देखो ये वाला मेरे को दे दिया है, कॉट सेट है, वाइट शर्ट है जिसपे शेर का प्रिंट है, अम्मी को शेर प्रिंट चीता ये सब बहुत पसंद है। तो ये पैंट और ये, और मेरा आप लोग ने वो अच्छे से बोबार वो भी बता देना, दिखाई देना आपकी वजह में किसने क्या बस हुई दो ही तो है। और गाइस ये तो शुरुआत में आपको मैंने दिखा दिया था बाहर का मौसम, और क्या यार ये फोन ऑरेंज कलर, एक सेकंड रुक, फोकस जा रहा है बार-बार, तो तुम नीचे करिए कैमरा ऐसे फटाक से करोगे तो हो जाता है, तो मैं तो बंद चालू करके। गाइस ये देखो बारिश इतनी जोरदार चालू है, बट यहाँ की जो आग है आशी दीदी कब नहीं करते ना लोग, ये दिखा दो गाइस ये देखिए, बताना है मैंने कितना फ्लावर बनाया है। एक मंत्रा है तो दूसरा संतरा है, अच्छा नहीं कोने मेरे को क्या मालूम, उन लोग कोई जान पहचान वाले बना दी तो समझ में आता, ये कोबा है और वो इसका नाम है भूल गई, ये मेरा फेवरेट कार्टून था, कोबा है और वो कोबा है फेवरेट कार्टून का भाई, बंदी नाम भूल गई, ये कौन है यार, मेरे को बहुत बहुत अजीब लग रहा है अपने आप को देख के, मैं के समदानी इतना सा ये खाना खाने किचन में बैठा था तो ना मेरे सामने बैठा, मैं ना ये बना रही थी तभी, तो ना इतना हंस रहा था बाप रे बाप, तो मेरी क्या हो गया, क्या कर रही है रे, फोन हिल रहा है ना, तो मैंने बोली क्या हो गया, तो बोलता है मोम के प्यार मोम के, छोटा लग रहा है, छोटा बच्चा लग रहा है बोलता है मेरे को, क्या करना है गाइस, अभी इसके प्यार के चक्कर में, इसकी जिद के चक्कर में ना मैंने अपनी शक्ल की बैंड बजा दिया, बट प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना कि मतलब मेरे को तो अपने पुराने वाले दिन याद आ रहे, मैं पहले जब नई नई स्टार्ट हुई थी दाढ़ी आना तो ऐसी शेप रहता था, इतनी सी दाढ़ी होती थी मेरी, और पता नहीं अब मेरा सीधा हाथ क्यों कांप रहा था, बट मुझे बहुत अजीब भी लग रहा है, बट नो प्रॉब्लम, मेरी हालत देख सकते हो गाइस, मैं कितनी प्यारी लग रही हूं, बट ऐसा है कि इसमें मेरा डिम्पल ज़्यादा विजिबल हो गया, पिंपल है वो गाइस, मेरे को बाल स्ट्रेट करने नहीं दे रहा इसके लिए मैंने दाढ़ी कटवाई, नहीं गाइस ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ जोक्स अ पार्ट,
मैंने दाढ़ी जस्ट अ जोक सपोर्ट या मैं इंग्लिश है यार तो मैंने दाढ़ी इसलिए कटवाई मैं बता देती हूँ कि मैं चाहती थी कि कैफ के अभी फिलहाल दाढ़ी कैफ कम कर देवे और अभी जब ये ग्रोथ होगी तो ये पूरी तरीके से अच्छी ग्रोथ हो और बराबर एकदम हो। गाइज एक सीन मैं भी बता देता हूँ, क्या है ना कि मेरे को ना दाढ़ी में ना क्या बोलूँ हेयर फॉल बहुत ज्यादा बियर्ड फॉल हो रहा था बहुत ज्यादा और ग्रोथ थोड़ी खराब हो गई थी मेरी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि जिस तरीके से पहले ग्रोथ होती थी वो ग्रोथ ऐसी नहीं हो रही है। तो उसी बहाने एक चीज अच्छी हो गई कि थोड़ा शॉर्ट किया है मैंने, ऐसे नहीं कि पूरा क्लीन कर दिया है, शॉर्ट किया है तो कैसा है ना कि थोड़े टाइम में आ जाएगी बट वो सिरे, हाँ वो तो आ जाएगी। फिर इंशाल्लाह कैफ को मैं बोल दूंगी कि भाई तुम थोड़ा टाइम के बाद है ना नियत भी बांध लेना। नहीं वो तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ, क्योंकि फिर एक बार नियत करूँगा तो मैं छोटी भी नहीं करूँगा, तो वो तो मैं जितनी नहीं एक मुठ्ठी सुन्नत मैं बोलूँगी इनको करने के लिए। और इनको मैं देखो गाइस मैं ऐसा बोलता फोर्स नहीं करना चाहिए पर मैं इनको थोड़ा बहुत पोस्ट करूंगी कि मैं बोलूंगी इस चीज के लिए नहीं तुम्हारा हर चीज के लिए नहीं नहीं नमाज और कुरान शरीफ एकदम प्रॉपर तो, जो पहले वाले कैफ थे ना तुम मैं मुझे वो चाहिए कैफ, तो मैं हमेशा इनको बोलती हूँ कि मुझे वो चाहिए, बट अब ऐसा हो गया ना कि अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ है ना मैं अचीव कर पा रही हूँ, मैं इनको बोल रही हूँ तो ये चीज़ मेरी सुन रहे तो वो चीज़ में मैं बहुत ज्यादा खुश, लेकिन फिर भी है मुझे सुन चिल्लाती है यार क्योंकि यार इनमें प्यार है मेरा यार। ठीक है बस हो गया, ज्यादा बहुत ज्यादा हम लोग ने ये बचकानी हरकतें कर दी है, अब करना क्या आगे वो बता शिरिन, मेरा हाथ बहुत कांप रहा है सीधा, मेरा मैं कितनी गप्पू गप्पू दिख रही देखो, मेरा सीधा हाथ बहुत कांप रहा है पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को। अब ये ना इनका ना हमेशा रख रहा था इस मालूम है आप लोग को कि शूट करने लगना हाथ कांपता है, फिर यहां पे तो दिखा बहुत छोटा बच्चा है, देख टिरेन जा रही है टिरेन मस्त लग रहा ठंडा थकावा। तो गाइस बस ज्यादा कुछ था नहीं ब्लॉग में, वैसे भी देखो गाइस थकावट हो गई है बहुत सी चीजों की तो इस वजह से कुछ ज्यादा कुछ एंटरटेनमेंट चीजें नहीं दिख रही है और ना आप लोग को हम एंटरटेन कर पा रहे हैं, बट बहुत जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं गाइस, हमारा प्लान था वेकेशन के लिए जो प्लान भी कैंसिल करना पड़ा और अब तो और भी नहीं जा सकते क्योंकि अगर बारिश शुरू हो गई तो बाहर रोड तो सूख भी नहीं सकते, सॉरी मीगा मीगा, पर हम लोग बंगले पे जाएंगे इंशाल्लाह और ट्राई करेंगे हम लोग बंगले, और बहुत जल्दी आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी पता चलेगी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी देखने मिलेगी, तो उसके लिए आप लोग को हमारा ब्लॉग नहीं छोड़ना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, तो बस यही खत्म होता है आज का हमारा दिन, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज गाइस इग्नोर व्लॉग्स, कैफ कहाँ है यहाँ पर हमारे व्लॉग में। सो गाइस बस यही खत्म था आज का हमारा दिन, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आएगी तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल शिरिन व्लॉग्स, क्योंकि कैफ तो अभी फिलहाल नहीं है तो, और गाइस प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी ये हालत कैसी लग रही है, क्या मैं बाल थोड़े बढ़ने दूँ या बाल भी शॉर्ट कर दूँ, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अल्लाह हाफिज़ गाइस, लव यू ऑल।